हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं तस्खीर और इस वीडियो में रिएक्ट करने वाला हूं पीएम इमरान खान एक्सपोज्ड सीक्रेट लेटर इन स्पीच। जो अभी जलसा हुआ था उसके अंदर कुछ ऐसा उन्होंने लेटर वेटर कुछ एक्सपोज किया है, मुझे धमकी दी गई, ये चीज़ उन्होंने मतलब अपनी स्पीच में बोली है। क्या बोला है वो भी सुनेंगे, किस लेटर की बात कर रहे हैं। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, बाकी आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में डिटेल्स आप देख सकते हैं। मैं अभी फ़िलहाल इमरान खान के मुंह से ये चीज़ सुनूंगा इस वीडियो के अंदर, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। अच्छा, ये जो मैं आपके सामने बात करने लगा हूँ, ये मैं आपको बता दूं कि मैं बड़ी कम तकरीर लिखता हूँ, लेकिन क्योंकि ये बात एक ऐसी है कि मैं ये नहीं चाहता कि मैं जज्बात में आके कोई ऐसी बात कर दूं कि हमारे मुल्क को हमारी फॉरेन पॉलिसी इफेक्ट उससे हो जाए, तो इसलिए मैं जिम्मेदार होके बड़ा ये तकरीर लिखी और मैं आपको एक एक जुमला बताता हूं। अब जरा आपने गौर से सुना, हमारे मुल्क को हमारे पुराने लीडर्स की करतूतों के हाथों धमकियां मिलती रही, हमारे सुनते रहे, हमारे मुल्क को हमारे पुराने लीडर्स की करतूतों की वजह से धमकियां मिलती रही मुल्क को। ओके, ये सुने अगला, हमारे मुल्क में मुल्क के अंदर मौजूद लोगों की मदद से हुकूमतें तब्दील की जाती रही। समझ गए, अपने लोगों की मदद से हुकूमतों को तब्दील किया। भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो, भुट्टो उसने जब मुल्क को आजाद फॉरेन पॉलिसी देने की कोशिश की, जुल्फिकार अली भुट्टो, मेरे उससे बहुत इख्तलाफात होंगे लेकिन मुझे उसकी खुददारी हमेशा पसंद थी। उसने मुल्क को जब आजाद फॉरेन पॉलिसी देने की कोशिश की तो उसे रोक दिया गया होगा, तो फजल रहमान, अच्छा वो मौलाना फजल और भगोड़ू नवाज शरीफ भगोड़ू इनकी सुनते रहे, सुने 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 सुने, अभी मैं और भी आता हूं कि इन दोनों की उस वक्त की पार्टियों ने जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ तहरीक चलाई। अच्छा, इनकी पार्टियों ने उनके खिलाफ हालात बना दिए गए मुल्क में, और उन हालात की वजह से जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी गई। गौर से सुने एक एक बात जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक्सपोज कर रहे हैं भाई, और तगड़ा ये तो सारा कुछ। आज आज क्या हुआ, आज आज आ रही आवाज, पब्लिक बोल कह रही है यार, इधर से लोगों को उतार दीजिए प्लीज, कौन सा की स्पीच सुन लीजिए। देखिए, ये सबसे अहम चीज मैं कह रहा हूं तो स्पीकर से उतरे क्योंकि लोगों ने सुनना है। स्पीकर पे चढ़ गए, आवाज बंद हो गई होगी इसकी। अच्छा, आवाज आ रही है, आ रही है। जल्दी इसको ठीक करें,
स्पीकर ही करा स्पीकर से उतरो, पब्लिक चढ़ गई है स्पीकर। सो इमरान खान ने इसके अंदर काफ़ी कुछ एक्सपोज किया है, मतलब खुला खुला एक्सपोज किया है कि जो फांसी दी गई थी वो किसकी वजह से, फजलुर रहमान की बात की उन्होंने और पूरा मतलब खोल के रख रहे थे एक एक बात को, लेकिन लोग जो है वो स्पीकर पर चढ़ गए देखने के लिए। मतलब इमरान खान का इतना क्रेज़ कि कहीं तो जगह मिले, कहीं से तो चढ़े, तो स्पीकर में कोई दिक्कत आ गई थी, तो इन्होंने काफ़ी कुछ खोल कर रखा। इमरान खान ने यह भी बोला, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मुझे भले ही कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन उनकी पॉलिसी जो थी फॉरेन पॉलिसी, आज़ाद पॉलिसी कि वो लाने की कोशिश कर रहे थे, उसको रोका गया दूसरी पार्टीज़ की वजह से, उनके कामों की वजह से उन्होंने रोकने की कोशिश की। बोले वो काम उनका मुझे अच्छा लग रहा था, चाहे वो मुझे वैसे बुरे लगते हों या फिर मेरे दुश्मन हो, समथिंग लाइक दैट। सो आप क्या कहते हैं इस पूरे सीन के बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या चाहते हो आप, पीएम इमरान खान यस और नॉट, ज़रूर बताना। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।